अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में वापस से स्वागत है। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक करने से मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। मेरी पेड सर्विस के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीडियो को लाइक किए बिना बंद ना करें तो अच्छा है। गोल्ड 1528 चल रहा है, एक रोलर कोस्टर राइड चल रही है गोल्ड में। कल गोल्ड एक अच्छा रिकवरी आया गोल्ड में, लेकिन अभी भी 1528 चल रहा है। एक जो 1600 तक की रिकवरी आनी चाहिए थी वो नहीं आई है, बट कल गोल्ड 1470 के आसपास से 1560 के आसपास का हाई बनाया उसने कुछ ही घंटों में, 3-4 घंटों में। अभी फिलहाल 1527 चल रहा है, $10 नीचे अपने कल रात की क्लोजिंग से। आज का सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। गोल्ड का सपोर्ट है आज का $1499। गोल्ड का रेजिस्टेंस है आज का $1541। $1541 ब्रेक होता है और सस्टेन करता है तो 1560 और 1590 तक जा सकता है। 1499 ब्रेक होता है और सस्टेन करता है तो 1490 और 1450 तक जा सकता है। फिलहाल गोल्ड का ट्रेंड पॉजिटिव है, अवॉइड कीजिएगा सेलिंग करना। जब तक 1499 ब्रेक नहीं होता है तो सेलिंग मत कीजिएगा। मार्केट में एक बहुत बड़ा रेंज है जिसकी वजह से किधर भी आप ट्रेड लेंगे तो अगर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप फंस सकते हैं, तो इसलिए अवॉइड कीजिएगा बड़े ट्रेड लेना। जो भी ट्रेड आप ले रहे हैं वो छोटी क्वांटिटी में ही लीजिए। चलिए सिल्वर देखते हैं। सिल्वर ने कोई भी पॉजिटिव ब्रेकआउट नहीं दिया है, इनफैक्ट सिल्वर 1270 चल रही है। आज का रेजिस्टेंस है 1320 का। $1210 का सपोर्ट है। सिल्वर का ट्रेंड जो है वो वीक है, अवॉइड कीजिएगा इसके अंदर बाइंग करना। आज गोल्ड और सिल्वर दोनों का ट्रेंड अलग अलग है, गोल्ड का पॉजिटिव है और सिल्वर का वीक है। चलिए क्रूड ऑयल देखते हैं। यह है क्रूड ऑयल का चार्ट, एक नया लो बनाया $26 के आसपास का क्रूड ऑयल ने, और अभी भी जो है 2680 के आसपास चल रहा है। क्रूड ऑयल में एक अच्छी सेलिंग आई बिकॉज डाउ जोन्स जो है कल 20,000 के भी नीचे जाके ट्रेड किया। इनफैक्ट उसने सस्टेन तो नहीं किया लेकिन 20,000 के नीचे टपक गया था वो एक टाइम में, और अभी भी 20,000 के आसपास ही चल रहा है। 20,150 के आसपास चल रहा है। 20,000 के नीचे अगर डाउ जोन्स क्लोज होता है तो दिक्कत हो जाएगी बायर्स को। चलिए आज के सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस है आज का 2810 का। क्रूड ऑयल का सपोर्ट है आज का 2520 का। क्रूड ऑयल का ट्रेंड वीक है, अवॉइड कीजिएगा बाइंग करना। चलिए एमसीएक्स के लेवल देख लेते हैं। सबसे पहले गोल्ड के लेवल देखते हैं। गोल्ड का सपोर्ट है आज का 39,880। गोल्ड का रेजिस्टेंस है आज का 40,470। एमसीएक्स सिल्वर का रेजिस्टेंस है आज का 36,200। सिल्वर का सपोर्ट है आज का 34,700। एमसीएक्स क्रूड ऑयल 1994 चल रहा है। हमारे यहाँ पेट्रोल के दाम कब कब होंगे क्या पता। क्रूड ऑयल का सपोर्ट है आज का 1870। क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस है आज का 2110। निफ्टी 8816 चल रही है, 150 पॉइंट नीचे है। निफ्टी का सपोर्ट है आज का 8720। निफ्टी का रेजिस्टेंस है 9010। निफ्टी के जो लेवल्स हैं ये स्पॉट के लेवल्स हैं तो अवॉइड कीजिएगा फ्यूचर में ट्रेडिंग करना। फ्यूचर के लेवल में अप्लाई मत कीजिएगा, मेरा मतलब ये है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले। मेरी पेड सर्विस के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब कल वापस से अपडेट दूंगा, तब तक के लिए टेक केयर। और एक मिनट, आज फेड की मीटिंग भी है, वो मैं बताना भूल गया। फेड की मीटिंग है आज, मोर ऑर लेस कोई ज्यादा उसमें बड़ा अनाउंसमेंट आएगा नहीं, बट रेट कट ऑलरेडी हो चुके हैं, 2 रेट कट हो चुके हैं, तो इट्स मोर ऑर लाइक मोर ऑर लेस फॉर्मेलिटी रहेगी
फेड के पास जो वेपन्स थे वो सारे यूज कर चुका है फेड, लेकिन हो सकता है वो क्वांटिटी बाइंग बढ़ा दें या फिर सिक्योरिटीज बाइंग बढ़ा दें. ऑलरेडी 1 ट्रिलियन के आसपास उन्होंने बाइंग बढ़ा दी है. लेट्स सी शरारत को क्या होता है. फेड की मीटिंग भी है, वो ध्यान रखें. अब कल वापस से अपडेट दूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय.